ये देखिए दोस्तों, माता के भोग में मिलने वाला दानेदार सूजी का हलवा और चटपटे काले चने तो सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। और आज मैं लेके आई हूँ माता के भोग में मिलने वाला इस प्रसाद की रेसिपी को। तो दोस्तों, इस रेसिपी को आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करिए। ये काले चने खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और साथ ही जो मैंने सूजी का हलवा बनाया है ये भी बहुत ही दानेदार बना है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम सूजी का हलवा बना के रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें मैं डाल दूंगी लगभग 100 ग्राम सूजी। और सूजी को पहले हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट सूजी को भूनने के बाद सूजी में से हल्की सी स्मेल आने लगेगी, तभी हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से बनाने से सूजी का हलवा बहुत ही दानेदार बनता है, पर हमें सूजी को काफ़ी अच्छे से भूनना भी होगा, तो इसीलिए अब हम फिर से इसको मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद सूजी हमारी भून गई है, बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है और कलर तो आप देख ही सकते हैं कि थोड़ा डार्क हो गया है। और इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे जिस बाउल से मैंने अपनी सूजी को नापा था, उसी बाउल से भर के हम 3 बाउल भर के इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बाउल भर के पानी डाल दिया है। याद रखें, जितनी भी सूजी लेनी है और जिस हिसाब से आप 100 ग्राम अगर सूजी ले रही हैं तो लगभग 300 ml पानी की यहाँ पे ज़रूरत होगी। अब हम सूजी के इस मिक्सर में थोड़ा सा बॉयल आने तक का इंतज़ार कर लेंगे। तो देखिए, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और इसमें ऐड कर देंगे 100 ग्राम ही चीनी। जितनी हम सूजी लेते हैं उतनी ही हमें यहाँ पे चीनी लेनी होती है, तभी हमारा जो हलवा है वो एकदम परफेक्ट मीठा हो पाता है, ना ही कम और ना ही ज़्यादा। तो अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम अपने हलवे को पकने देंगे। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 7 से 8 बादाम लिए हैं जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया है, 3 से 4 इलायची और इन्हें मैंने कूट के पाउडर बना लिया है, 1 बड़ा चम्मच किशमिश मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लिया है, इसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। नारियल से सूजी के हलवे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे आप ज़रूर यूज़ करिएगा। तो देखिए, 3 से 4 मिनट पकाने के बाद जो हमारा हलवा है अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है और हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया बना है हमारा सूजी का हलवा, बिल्कुल एकदम हलवाई जैसे। तो मैं अब गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। तो अब चलिए हम अपने चटपटे काले चने भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम काले चने लिए थे और इन्हें मैंने 1 से 2 बार धोने के बाद रात भर के लिए भिगो के रख दिया है। और अगर आपके पास समय नहीं है और आप भूल गए हैं या फिर इनको भिगोना, तो आप गर्म पानी में 1 छोटा चम्मच नमक डाल के इन्हें भिगो के रख दीजिए और ये 2 ही घंटे में फूल के रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो चने हैं ये देखिए फूल के रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इनके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे मैं निकाल देती हूँ। तो देखिए, मैंने चने का सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और अब मैंने एक कुकर ले लिया है और कुकर में हम चने को डाल के इन्हें बॉईल करके रेडी कर लेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। और पानी डाल देंगे और इतना पानी डालना है कि जो हमारे चने हैं ये अच्छे से पानी में डूब जाए। तो 1 गिलास मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा पानी मैं और डाल देती हूँ, 1.5 गिलास से कम डाला है पानी मैंने। और उसके साथ ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक। नमक से हमारे जो चने हैं वो काफ़ी जल्दी बॉईल होके रेडी हो जाएंगे। और पहले सीटी हम हाई फ्लेम पे आने देंगे और हाई फ्लेम पे सीटी आने के बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और लगभग 4 से 5 सीटी आने तक हम अपने चने को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो मैं चने को पहले बॉईल करके रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने चने को बॉईल करके रेडी कर लिया है और अब हमारे जो कुकर है उसका प्रेशर भी निकल गया है। तो पहले हम चने को चेक कर लेंगे। चने को हमें इस तरीके से चेक करना है कि ये बॉईल हुआ है कि नहीं। हम एक दाना लेंगे और इस तरीके से दबा के देखेंगे, ये बहुत ही आराम से दब जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे जो चने हैं वो बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और अब हम इनको पानी में से निकाल के
फिर से एक बाउल में रख लेंगे। तो देखिए मैंने चनों को पानी में से निकाल लिया है। उसके बाद हम एक खाली बाउल ले लेंगे, आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर, हाफ बड़ा चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, दो छोटे चम्मच डाल देते हैं आमचूर पाउडर। उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा पानी। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए पतला घोल बन के रेडी हो गया है और इन्हें हम एक तरफ रख देंगे। चलिए अब हम अपने चने को तल के रेडी कर लेते हैं। चने को तलने के लिए मैंने यहाँ पे एक खाली पैन ले लिया है और गैस का फ्लेम भी ऑन कर दिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में काले चने का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है, पर अगर आप सरसों का तेल यूज़ ना करना चाहें तो यहाँ पे आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल के गर्म होते ही डाल देंगे इसमें एक छोटा चम्मच जीरा, और जैसे ही जीरा चटकने लगे इसमें डाल देते हैं एक छोटा चम्मच हींग, और जैसे ही हमारी हींग भी अच्छे से भुन जाए तभी हम इसमें डाल देंगे वो मसाले जिन्हें हमने भिगो के रखा था। इस तरीके से अगर हम मसाले डालते हैं तो हमारे जो मसाले हैं वो जल्दी से जलते भी नहीं है और बहुत ही अच्छे से भुन जाते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इनको एक मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। तो देखिए जो हमारे मसाले हैं इन्होंने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। और अब मैं इसमें बॉईल किए हुए चने डाल लेती हूँ, और उसके बाद एक छोटा चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी डाला था तो इस बात का याद रखें कि नमक की मात्रा आप बिल्कुल ध्यान से रखना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है वरना जो हमारे चने हैं इनका स्वाद खराब भी हो सकता है। अब हम अपने जो चने हैं इनको 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ऐसे ही फ्राई होने देंगे, तभी इनका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए 5 मिनट लो फ्लेम पे इनको तलने के बाद जो चने हैं इनके ऊपर मसाला देखिए कितने अच्छे से चिपक गया है और हमारे जो चने हैं वो काफ़ी अच्छे से तल भी गए हैं। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। तो चने एकदम रेडी हैं, इन्हें हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। अब हम हलवे को भी सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों दानेदार सूजी का हलवा और चटपटे काले चने बनके एकदम रेडी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी। ओके बाय बाय, टेक केयर।